मेरे साईं जैसा नाम है, अगर आप भी बोलेंगी मेरे साईं तो आपको उसमें एक अपनापन मिलता है। और बाबा जब तक थे, जैसे हमने सुना बाबा अभी भी हैं, लेकिन जब हम उन्हें फिज़िकली देख सकते थे, महसूस कर सकते थे इन शरीर वाली आँखों से, तो तब तक जिसने जो महसूस किया वो ठीक है। लेकिन आज भी जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें जानने समझने की कोशिश करते हैं, तो मेरे साईं एक ऐसा शब्द है जो आपको एहसास कराता है कि वो आपके आसपास हैं और वो आपका ही कहीं हिस्सा हैं। वो आपको एहसास कराते हैं मैं हूँ, यू डोंट वरी, श्रद्धा और सब्र से काम ले, थिंग्स विल बी गुड। मैं आपको बताऊं कि मैं चीज़ों को बहुत ही दिल से लेता हूं, और मेरा मानना ये है कि इफ़ यू आर एंजॉइंग, इफ़ यू आर लिविंग दैट कैरेक्टर, देन दैट इज़ दिस इज़ मोर देन इनाफ। और मैंने प्रोमो देखा था तो आई फील गुड कि बहुत सारे अप्रिसिएशंस आए, इवन लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया प्लीज़ यार इसको 7.5 पे नहीं, इसको 8.5 करो, 10 करो, हम सब देखना चाहते हैं। और बाबा के फॉलोअर्स इतने हैं कि मुझे नहीं पता एज एन एक्टर अबीर सूफी व्हाट आई एम डूइंग, बट हाँ बाबा इज़ रॉकिंग और सब कुछ वही कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, मैं कर नहीं रहा हूँ कुछ भी। यस 2007 के आसपास, 6 के आसपास कुछ मैंने एक्टिंग शुरू करी थी, और मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए, नेगेटिव किया, पॉजिटिव किया, प्रिंस किया, ड्यूक किया, और मतलब वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स वर देयर। 2012 में पता नहीं क्या हुआ कि जब मैं बॉम्बे आ रहा था तो एक नाम मेरे दिमाग में वाइब्रेट हुआ, और मेरे टीचर हैं, ही इज़ अ मुस्लिम, मिस्टर तौकीर आलम खान, तो मतलब मैं ट्रिब्यूट करना चाहता था उनके लिए कुछ, और मुझे लगा नहीं कि इससे बड़ी चीज़ आप किसी को कुछ दे सकते हैं अगर आप अपना नाम चेंज करते हैं। तो अबीर इज़ अ नेम, मेरी माँ को बहुत पसंद है ये नाम, और मोर देन दैट एक कलर और फ्रेगरेंस, जो एक दो चीज़ें हैं, अबीर का मतलब होता है कलर और फ्रेगरेंस। फ्रेगरेंस इज़ अनस्टॉपेबल, आप उसे रोक नहीं सकते, और कलर में इतनी रेंज है कि आप गिन नहीं सकते। तो एज एन एक्टर ये दोनों चीज़ें आप में होनी चाहिए, आप दूसरे को फील करा पाएँ, मीन्स फ्रेगरेंस जो देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, एंड कलर मतलब वेराइटी जो आप दिखा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इसमें थी, प्लस ये किसी धर्म जाति संप्रदाय से जुड़ा हुआ नाम नहीं है। सो आई वॉज थिंकिंग कि इट इज़ बेस्ट फिट फॉर एन एक्टर, मैंने अडॉप्ट किया। और बाबा जैसे उनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते, इतना ही जानते हैं, नाम भी साईं किसी और ने दिया, वो कहाँ से आए थे, क्या करते थे, लेकिन वो सब जगह ये सबका बिलीव है। सो दिस ट्रूली जस्टिफाइंग माई कैरेक्टर। बेस्ट पार्ट है रेंज, कि एक टाइम में ही बहुत सोशल हैं, स्पिरिचुअली इनलाइटेड हैं, हर चीज़ को जानते हैं, फिर भी चीज़ों को बहुत ही ह्यूमन गॉड जो एक वर्ड है ना, कि वो बहुत ही इंसानी तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते हैं। वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर दिया कि पहाड़ उड़ गया, कुछ ऐसा कर दिया कि चीज़ें लोगों को लगने लगा अरे ये कैसे हो सकता है। बहुत सिंपल, बहुत सूदिंग वे में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और सब कुछ होता है सब कुछ जानने के बाद भी। तो जो इनोसेंस है दैट अबिल्स मी अलॉट, दैट अबिल्स मी रियली टू मच। मुझे लगता है कि आउटर शेल जो है, जो एक्टर की बॉडी है या जो कैरेक्टर है, वो तो आउटर है, मैं इनर ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दिल से बाबा के पास पहुँच पाऊँ, उनकी तरह सोच पाऊँ, उनकी तरह देख पाऊँ। डेफिनेटली वो बहुत बड़ी चीज़ थे, बहुत बड़ा कैरेक्टर है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनके जितना पास जा पाऊँ। जैसे भी मैं शिरडी गया था और मैं बाबा के सामने खड़ा, और मैंने इतना ही बोला केवल 10% महाराज, 10% में ही काम हो जाएगा, एक्टर के लिए इतना ही बहुत है, इतना आप दो तो अगर बाबा का 10% मेरे अंदर आ पाए तो शायद आप 1000% फील कर पाएंगे। बाबा के गेटअप तो मतलब हार्डली 10-30 मिनट्स, 10 मिनट में वो कुछ थोड़ा मेकअप वेकअप करते हैं, और वो कपड़े वपड़े पहनने में तो ज़्यादा नहीं जाता है, लेकिन इनर पे बहुत काम रहता है। अभी कैरेक्टर शुरू हो चुका है लेकिन फिर भी इनर पे काफ़ी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मैं कहना चाहूँगा जितना आपने बाबा को समझा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके और ज़्यादा पास आपको ले जा पाऊँ, या जो लोग बाबा को जानना चाहते हैं आप लोग फॉलो कीजिए। जो जानते हैं उनके लिए तो खैर कुछ कहना ही नहीं है, हैट्स ऑफ फॉर यू गाइस, कि आप लोग वो लकी लोग हैं जो बाबा को समझ रहे हैं। 25 सितंबर से शाम को 7:30 बजे सोमवार से शुक्रवार आप देखेंगे, और शायद आप साईं बाबा की प्रेजेंस महसूस कर पाएँ, यही सबसे बड़ा मैसेज हो सकता है।